मुख्य समाचार। बीजेपी नेता कोमल मांझी की नक्सलियों ने कर दी हत्या। नारायणपुर क्षेत्र में फैला भय का वातावरण। आयकर विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, कांग्रेस की नीति ही है भ्रष्टाचार। कादंबरी संस्था द्वारा शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने लिया भाग। और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, सातों ब्लॉक के 56 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं शफक मीर। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ नारायणपुर के छोटे डोंगर में नक्सलियों ने एक बार फिर भाजपा नेता की हत्या कर दी। नारायणपुर के छोटे डोंगर में मंदिर में पूजा करने गए भाजपा नेता पर नक्सलियों ने टंगिया से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही भाजपा नेता कोमल मांझी की मौत हो गई। इससे पहले नक्सलियों ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष सागर साहू और रतन दुबे की हत्या कर दी थी। लगातार हो रही हत्याओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जनपद सदस्य के पति और भाजपा नेता कोमल मांझी सुबह लगभग 10 बजे गांव में स्थित शीतला मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने उनका रास्ता रोका और टंगिया मारकर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने कोमल मांझी को कई बार जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कोमल मांझी को सुरक्षा मुहैया कराई, लेकिन मांझी ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। इस घटना से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके संबंधित स्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 200 से 300 करोड़ रुपए कैश का बहुत बड़ा खुलासा हुआ। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और बस्तर जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस जहां होती है वहां भ्रष्टाचार है, वहां क्राइम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति है भ्रष्टाचार करो। देखिए, हर एक जो जनप्रतिनिधि है उससे अपेक्षा की जाती है कि वे कानून का पालन करें, और जिस प्रकार से आचार संहिता बनी हुई है लोकसभा की, उसका पालन करें। विधिवत समिति ने जांच की और लोकसभा ने सर्वानुमति से ये पारित किया है, तो निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि के लिए कदाचरण जैसा व्यवहार करना ये उचित नहीं है, और लोकसभा ने इसका निर्णय किया है, निश्चित रूप से सभी को इसका पालन करना चाहिए। देखिए, जहां कांग्रेस होगी वहां करप्शन होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां क्राइम होगा, और ये कांग्रेस के कल्चर का उदाहरण है कि एक राज्यसभा सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए निकलना, ये कांग्रेस जो करती है उसका बड़ा उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास लोगों को नहीं दिया गया, उनका आवास छीन लिया गया, गोठानों के नाम में भ्रष्टाचार हुआ, गोबर खरीदी के नाम से घोटाला हुआ, शराब में घोटाला हुआ, साथ में उन्होंने जो वादे किए थे 36 वादे, वो वादे पूरे नहीं कर पाए, ना बेरोजगारों के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना किसानों के लिए, और उन्होंने शराबबंदी का भी वादा किया था, वो भी बंद नहीं। ये वादा कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस को इस वादे को पूरे करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छी सरकार देगी और छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा, इसका हम सभी वादा। भैया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था डीएमएफटी में, गोठान में, गोबर खरीदी, इसमें भी आप लोग जांच करवाएंगे क्या? मैंने पहले ही कहा, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, और कोई भी भ्रष्टाचार हुआ हो उसका उजागर नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। सारे भ्रष्टाचार के उजागर होंगे, यही मोदी जी की गारंटी। कांगेर वैली नेशनल पार्क का कोलिंग इलाका है, वहाँ वन विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, डिप्टी रेंजर दोषी पाए गए,
विभाग के और लोगों का कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जो शामिल है, तो भाजपा इस पर जांच कराएगी क्या? बिल्कुल, देखिए फॉरेस्ट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 5 साल के अंदर आपका जो वन मंत्री है वो हमारा बस्तर नहीं आया, और सबसे बड़ा घोटाला एक ही रात में 50-50 एकड़ का आवर्ती गोठान बना दिया गया। मोहम्मद अकबर के लोग आए, कई गाड़ियां लाए, एक ही रात में चारों ओर जंगलों को खोद दिए, चले गए, पैसा ले ले। ऐसे कांगेर वैली में तो छोड़ दीजिए, हर फॉरेस्ट रेंज में घोटाला हुआ है, और ये उनके लोग आके इसका घोटाला किए हैं, वो लोग काम किए, ये सारे लोगों की जांच होगी। नगर निगम में भी जो खरीदी हुआ सफाई का, नगर निगम में जो खरीदी हुआ है, जो उसमें कार्य हुआ है, ये सारे जो घोटाले हुए हैं, और इस घोटाले में जो जो लोग शामिल थे सब पे कार्रवाई होगी और सारे दोषी लोग जेल जाएंगे। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद धीरज साहू के संबंधित ठिकानों से 200 से 300 करोड़ नगद की बरामदगी हुई है। छापेमारी में 30 अलमारियों में सुरक्षित नोटों की भरमार थी, और इन नोटों की गिनती के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 300 करोड़ रुपए की गिनती पूर्ण हो चुकी है, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। 30 अलमारियों में पाए गए 300 करोड़ रुपए कैश के संबंध में बताया जा रहा है कि धीरज साहू एक बड़े उद्योगपति हैं और उनका जुड़ाव शराब निर्माण कंपनी बौद्ध डिस्टिलरीज से है। आयकर विभाग ने इस ग्रुप के झारखंड, ओडिशा और बंगाल के 10 स्थानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान नोटों के बंडल ऑफिस की 9 अलमारियों में संग्रहित थे। माफिया से जुड़ा मामला है, बिल्कुल सही उठाया आप। आप लोगों को मालूम होगा, छत्तीसगढ़ की टीम शराब कैसे बिक्री करना है, भ्रष्टाचार कैसे करना है, नकली दारू कैसे बनाना है, इसका प्रशिक्षण लेने के लिए झारखंड गई हुई थी। ये सब मिले जुले हैं, हो सकता है छत्तीसगढ़ का भी पैसा उसमें हो। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है शराब, यहां की टैक्स की चोरी हुई है। ऐसे बहुत सारे घोटाले कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस धीरे धीरे, कांग्रेस का पर्दाफाश हो रहा है, और ये कोई बचने वाला नहीं है। आज विश्व में जो भारत का नाम हो रहा है, ये मोदी जी के कार्यों के वजह से, मोदी जी के नीतियों के वजह से। मोदी जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये कांग्रेसी इन लोगों को और इनके साथ इनके अलायंसों को खाने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए आरोप लगाते हैं। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार धीरे 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 देश से खत्म हो जाएगा, और जो भ्रष्टाचारी नेता है ये सारे जेल के अंदर में जाने वाले हैं। सरकार बनी है, आदिवासी चेहरे की बात करेंगे क्या सीएम से? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, और छत्तीसगढ़ में पूर्व में भी आपने देखा 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। मैं तो एक ही बात कहता हूं, गर्भ के अंदर के बच्चे से लेकर अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती थी तो वहां तक घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहुत अच्छी सरकार मिलेगी, और ये हमारा विधायक दल चुनता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बात जरूर है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा सरकार पुनः आपके छत्तीसगढ़ में बनने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में आप सभी को भी बधाई। ये चुनाव से पहले आप लोगों का प्रमुख मुद्दा, 5 महिलाओं समेत 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके में सक्रिय थे। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया, जिसमें जिला बल और CRPF का रहा विशेष सहयोग। SP किरण चौहान, SP प्रभात कुमार के समक्ष किया आत्मसमर्पण। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की योजनाओं का दिया जाएगा लाभ। इस विषय पर ASP प्रभात कुमार ने बताया। सर, आज माओवादी सेंटर के बारे में जानकारी। जी, नक्सलियों की खोखली से तंग आकर एवं जिला पुलिस सुकमा एवं CRPF के प्रयासों से आज हमारे समक्ष कुल 20 नक्सलियों ने, जिनमें 5
महिला नक्सली भी शामिल है, आत्मसमर्पण किया है। ये सभी जगरगुंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं जो नक्सल संगठन में विभिन्न पदों पर बहुत लंबे समय से कार्यरत थे। शीघ्र ही इन्हें जो भी सुविधाएं हैं और आहत राशि प्रदान की जाएगी। इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सुकमा पुलिस को मिली कामयाबी। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। आज भी पोलमपल्ली के जंगलों में सुरक्षा बल के जवान एरिया डोमिनेशन के लिए निकले हुए थे। सुरक्षा बल के जवान जब अतुलपारा के जंगल में पहुंचे तो एक व्यक्ति जवानों को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया। शक्ति से पूछताछ करने पर उससे बताया कि वह कई सालों से नक्सली संगठन में रहकर नक्सलियों के लिए काम कर रहा है और कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है। गिरफ्तार नक्सली को मुख्यालय सुकमा लाया गया, जहां नक्सली गतिविधियों की अहम जानकारी निकलकर पुलिस के सामने आई है। गिरफ्तार नक्सली को न्यायालय पेश किया गया। इस बारे में ASP प्रभात कुमार ने बताया। सर, आज पोलमपल्ली क्षेत्र में गिरफ्तार माओवादी के बारे में जानकारी। जी, सुकमा जिले के अंतर्गत पड़ने वाले थाना पोलमपल्ली से DRG, बस्तर फाइटर्स, CRPF एवं जिला बल का संयुक्त दल नक्सल अभियान के अंतर्गत ग्राम अलरमपल्ली की ओर रवाना हुआ था, जहां पे अलरमपल्ली के जंगलों में ही एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, जिसने अपना नाम मारवी हरमा बताया। पूछताछ करने पता चला कि यह कुल 21 वर्षों सक्रिय रहा है, जिसके ऊपर कुल 15 अपराध नक्सल प्रकरण के दर्ज हैं एवं पुलिस अधीक्षक सुकमा द्वारा इस पर पूर्व से ही 5,000 का इनाम घोषित है। निश्चित ही ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से सक्रिय रहा है एवं इसे आज विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। जी। मानव जीवन पर प्लास्टिक का दुष्प्रभाव कई रूपों में देखने को मिल रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर सेहत पर पड़ा है। दैनिक जीवन में प्लास्टिक के अत्यधिक प्रयोग से कई गंभीर बीमारियों से हम जूझ रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए शहर के पवन गुप्ता ने कई चीज़ों का आविष्कार किया है, जिसे दैनिक जीवन में हम लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये वस्तुएं, जानते हैं इस खबर में। प्लास्टिक प्रदूषण न केवल पर्यावरण को बल्कि हमारे और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को भी खतरे में डालता है। दुनिया प्लास्टिक के संकट से जूझ रही है। प्लास्टिक का प्रदूषण पूरे विश्व भर में है। प्लास्टिक लोगों और पर्यावरण को उनके जीवन चक्र के प्रत्येक चरण में नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। प्लास्टिक के इसी नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए शहर के पवन कुमार गुप्ता ने ऐसी ऐसी चीज़ों का इजाद किया है जो हमारे सेहत को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से बचाए रखेगा। क्या है ये चीज़ें, इस बारे में हमें पूरे जानकारी दे रहे हैं पवन कुमार गुप्ता। मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है और मैं विगत 23 सालों से मेडिकल के फील्ड में हूँ। मेडिसिन का हमारा कारोबार है, अभी हम होलसेल के कारोबार में गुप्ता एजेंसीज के नाम से हमारी फर्म जगदलपुर में है। देखिए, अभी जो आपने बताया ये सब डिस्पोजल करने से इसका इस्तेमाल भी हो रहा है, यूज़ के बाद भी इस्तेमाल होता है, खाद बनता है, ये क्या चीज़ है, किस तरह से क्या होता है, बताइए इसमें। देखिए, ऐसा क्या है कि हम विगत कई सालों से हम ये देख रहे थे, क्योंकि मेडिकल फील्ड में है तो प्लास्टिक से कई तरह की बीमारियां जो है जनरेट हो रही है। प्लास्टिक जो है हमारे शरीर में भोजन से कई तरह से हमारे शरीर में जा रहा है। हम गन्ना रस भी पीने जाते हैं, स्ट्रॉ यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक जा रहा है, चाय पीने जाते हैं तो प्लास्टिक जा रहा है, मैगी भी खाते हैं बाजार में जाते हैं तो वो ऐसे बाउल में हमको देता है जिसमें केमिकल युक्त जो है बाउल रहता है। तो ये सब देखते हुए हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि हम क्यों ना इस तरह ऐसा कुछ किया जाए कि बस्तर को प्लास्टिक फ्री किया जाए, कम से कम भोजन से। तो ये दिमाग में था, कुछ मित्रों से हमने सहयोग लिया, उन लोग से सलाह लिया तो उन्होंने सजेशन दिया, उनके सजेशन के आधार पे हमने जब रिसर्च की तो हमें इस तरह के प्रोडक्ट हमें मिले जो कि अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट करें तो बहुत हद तक जो है प्लास्टिक से मुक्त हुआ जा सकता है और बीमारियों को अपने शरीर से दूर रखा जा सकता है। तो अभी जो ये जो सामान है, सामान कहाँ से आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या है? हाँ, अभी जो है ये फ़िलहाल हमने कोलकाता की कंपनी के साथ टाइप किया है और वो अपना जो है वो हमें मैन्युफैक्चर करके दे रही है और काफ़ी कम कॉस्ट पे दे रही है। फ्यूचर में हमारी प्लानिंग है कि उनकी टेक्नोलॉजी को बस्तर में इम्प्लीमेंट किया जाए और यहीं उसको हम मैन्युफैक्चर करें। ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 महीने और लगेंगे जिसमें हमें सारे प्रोडक्ट बस्तर के ही उत्पाद हमें देखने को मिलेंगे आने वाले समय में।
आने वाले समय अभी जो रेट थोड़ा सा कास्टली कम होने की संभावना रहेगी क्या? ये सब क्वांटिटी पे होता है, जैसे जैसे इसकी खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ने पर इसकी कॉस्ट जो है आज जो हम दे रहे हैं उसकी आधी कीमत पे भी कल के दिन हम प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि सारा जब क्वांटिटी पे काम होता है तो जो है रेट उसके कई तरह से कम हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि जो इस्तेमाल इससे तो सेहत के लिए भी और पर्यावरण के लिए दोनों के लिए ये फायदेमंद। हाँ, ये बहुत ही फायदेमंद है। एक तो क्या हो रहा है, देखिए आप, हम जैसे अगर पेन की बात करें तो पेन हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो एक तो प्लास्टिक फ्री है, तो इसे फेंक देंगे तो एक तरह से पौधा भी उग रहा है। दूसरा, जितने तरह की चीज़ें मैंने बताई, ब्रश है, ब्रश हम मुंह में डाल रहे हैं तो लार के साथ जो है प्लास्टिक मिक्स होकर के हमारे ब्लड में जा रहा है, हमें बीमार कर रहा है, तो ये जो है उसका एक सब्स्टिट्यूट है, तो इससे हम बहुत हद तक से बच सकते हैं प्लास्टिक से। और इसको हम अगर फेंक देते हैं तो ये कुल मिला के टोटली खाद बन जाता है, मिट्टी में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। कुछ इन पौधे बीज भी डाले हैं? हाँ, पेन पेंसिल में बीज डले हैं और उसमें नाम भी लिखा है कौन सा बीज है। बच्चे अगर उसको लिखने के बाद अगर कहीं भी गाड़ देंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा और उसमें से पौधा जर्मिनेट हो जाएगा और प्लांटेशन का भी बड़ी मुहिम ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। अभी ये जो प्रोडक्ट है कहाँ कहाँ इस्तेमाल में आ रहे हैं क्या? अभी रिसेंटली हमने इसे लॉन्च किया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और आज हम लोग चित्रकूट जा रहे हैं, वहाँ जितने भी वेंडर हैं जो चाय बेच रहे हैं या फिर जो आपके मैगी बेचते हैं या कोन में जो है कई तरह के आइटम बेच रहे हैं, उन लोगों से हमने बात की है, उनको हम ये सारा चीज़ देंगे ताकि वो उस एरिया को जो प्लास्टिक से मुक्त किया जा सके। और धीरे धीरे हम पूरे बस्तर में इस तरह का मुहिम चलाएंगे, कुछ मित्र हमें सहयोग कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, उनके साथ मिलकर के हम कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम देंगे कि प्लास्टिक से मुक्त होने के लिए ये हमारे बहुत ज़रूरी है, सेहतमंद रहना है तो हमें इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, मिल करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि ये प्रोडक्ट अभी आप कलकत्ता से बनवा कर ला रहे, तो मतलब कलकत्ता से अगर यहाँ बन रहा है तो देश में और भी जगह में ये इस्तेमाल हो रहा है? हमारा टाइप बेंगलुरु से भी है, हमारा जो कुछ प्रोडक्ट SKU है, जो प्लेट्स वगैरह है, ये हम लोग बेंगलुरु से प्रोक्योर कर रहे हैं, बेंगलुरु से में वहाँ से आ रहा है, और हम और भी कई जगह हम देख रहे हैं जहाँ से कम कीमत पे इसे अफोर्डेबल प्राइस पे लाया जा सके। अभी क्या क्या प्रोडक्ट आई है अपने पास? अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमारे पास 3 प्रकार के ब्रश अभी हमने लॉन्च किए हैं। एक तो पूरा फुल्ली मेडिकेटेड है, जो कि हम डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए उसे कहेंगे कि वो जो है जिनको सेंसिटिव दांत है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी जनरल ब्रश है जो आम पब्लिक यूज़ करे, ये से भी हमने लॉन्च किया है, वो काफ़ी कम दाम पे, अभी 20 रुपये में भी हम ब्रश दे रहे हैं और 100 रुपये का भी ब्रश है, रेंज हमारे पास है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है, ईयरबड्स है, टोटल इको फ्रेंडली है, पेपर से बने हुए हैं, डिकम्पोजेबल है। तीसरा जो प्रोडक्ट अभी हमने लाया है वो चाय के कप्स और खाने की जो डिस्पोजेबल प्लेट होती है, कटोरी होती है, वो हमने अभी लाया है। साथ में पेन और पेंसिल भी टोटली पेपर के बने हुए पेन पेंसिल, हम जिसमें बीज भी इम्प्लांट किए गए हैं, वो हमारे SKU में शामिल। मोबाइल साउंड बॉक्स, हाँ, प्लस एक साउंड बॉक्स जो भी टोटल बैम्बू से बना हुआ है, जो कि आवाज़ को गूंजा देता है, सिर्फ मोबाइल उसमें रखने की ज़रूरत है, बिना स्पीकर के बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े पवन ने बताया कि कागज़ के स्ट्रॉ, थाली, कटोरों के अलावा उन्होंने टूथब्रश जी भी लकड़ी से बनाया है, जिसमें प्लास्टिक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है। इंस्टीट्यूट जो है, हमने ये स्ट्रॉ निकाला है, ये पेपर से टोटली बने हुए स्ट्रॉ है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है, नारियल पानी वगैरह पीना हो, गन्ना रस पीना हो तो बहुत बढ़िया है और बायोडिग्रेडेबल है। चाय पीने के लिए ये कप पूरे कागज का, जो कटोरा या जो है प्लेट्स हम यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल, प्लास्टिक से जो हानि है वो सबको पता है, तो ये बैगेज से बना हुआ शुगर केन बैगेज, मतलब गन्ना का जूस निकलने के बाद जो बच जाता है उसका छिलका, उससे इसे बनाया गया है। इसे ज़मीन में डालेंगे तो टोटली ये खाद का काम करता है, तो नेचर फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ये बड़ी प्लेट है, छोटी प्लेट भी है। नेक्स्ट जो हमारा SKU है, ये ईयरबड्स, इसमें कहीं भी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसका कवर भी टोटल कागज़ से बना हुआ है, इसके अंदर जो लकड़ी है ये भी बाम्बू का है, प्लस ये तो कॉटन है ही, टोटल नेचर फ्रेंडली ये प्रोडक्ट है हमारा। और लास्ट जो SKU है, ये नारियल का जो खोपरा जो हम फेंक देते हैं उससे ये दिया बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत दिया है। ये दिया ख़त्म होने के बाद इसमें हम तेल डाल के भी इसे जलाया जा सकता है। ये हमारा ज़ोरबा लाइफ ब्रांड का ये बाम्बू का स्पीकर है,
मोबाइल को सिर्फ इसके अंदर रखना है, आवाज़ जो है बहुत ही बेहतरीन गूंज के आती है, बहुत सुंदर लगता है सुनने में, बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है। हाँ, इसमें हम अगर गाना कोई अभी हमने जो है हमारा जो ब्रांड है वो जोरबा लाइफ नेचुरल्स के नाम से है, जोरबा लाइफ नेचुरल्स के नाम से हमने ये बाम्बू का ब्रश जो है प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट हमने बनाया है। चूँकि जो है प्लास्टिक अगर मुंह में हम डालते हैं तो उसके जो नैनो पार्टिकल्स हैं हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं और हमारे जो है शरीर को बीमार बनाते हैं, तो इसके ये टोटली बायोडिग्रेडेबल ये ब्रश है। इसका ब्रिसल भी जो है टोटल बाम्बू के रेशे से बना है, इसमें चारकोल को इन्फ्यूज़ किया गया है ना, प्लस इसमें कैस्टर बीन ऑयल का इन्फ्यूज़ करके ये स्पेशल तरीके से इसे बनाया गया है। ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, प्लस अगर हम इसे कहीं फेंक भी देते हैं तो ये पूरी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाता है और किसी तरह के एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करता है। ये बहुत ही अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स है, इसमें 20,000 ब्रिसल है, जिनका दांत सेंसिटिव है उनके लिए ये स्पेशल ब्रश निकाला है। प्लस ये जीबी भी पूरा बांस का बना हुआ है। दूसरा प्रोडक्ट जो है हम स्कूल कॉलेजों में हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि ये पूरे पेपर से बने हुए पेन हैं, प्लस इसमें बीज डले हुए हैं। जब पेन ख़त्म हो जाएगा, इसे अगर ज़मीन में गाड़ देते हैं तो इसमें जो बीज जो नाम लिखा है, जैसे इसमें मस्टर्ड लिखा है, इसमें से सरसों के जो है पौधे उग जाएंगे। पेंसिल भी पूरे पेपर के हैं, इसमें भी बीज डले हैं, इसे ख़त्म होने के बाद ज़मीन में गाड़ेंगे तो इसमें से कैरेट का जो है पौधा निकल के आएगा, गाजर इसमें उग जाएगा। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है और इसमें जो है हम वृक्षारोपण भी इससे धीरे धीरे अच्छा होते जाएगा। गौरतलब है कि प्लास्टिक पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। पर्यावरण ही नहीं, ये हमारे सेहत को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। आज के समय में जहाँ देखो प्लास्टिक और इससे निर्मित पदार्थों का ढेर देखने को मिल जाता है। दुनिया भर में हर मिनट में लगभग 1 मिलियन प्लास्टिक की बोतलें बेची जाती है। दैनिक जीवन में आज प्लास्टिक हर चीज़ में शामिल है। भोजन के साथ प्लास्टिक के सूक्ष्म कण हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में इस तरह के इजाद निश्चय ही मानव जीवन को इस खतरे से बचाए रखने में सक्षम होगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। शनिवार को बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर धर्मपुरा स्थित रेड क्रॉस आस्था निकुंज वृद्धाश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वृद्धजनों को शॉल और फल वितरण किया गया। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक किरण देव को बधाई देने के लिए उनके निवास स्थान पर ए विजन के सदस्य पहुंचे। नवनिर्वाचित विधायक को ए विजन द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी गईं और कहा कि हमें उम्मीद है कि जगदलपुर विधायक अंचल के विकास के लिए अपना अवश्य ही योगदान देंगे। इस अवसर पर ए विजन के साजिद अब्दुल रहमान, इश्तियाक मीर, शशिकांत झा, जावेद बख्श, रमेश कुक्की जारी के अलावा अन्य सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में जगदलपुर विधायक किरण देव, कलेक्टर विजय दयाराम के, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, आयुक्त नगर निगम हरेश मंडावी की उपस्थिति में ऑनलाइन कार्यक्रम में शहीद गुंडाधुर कृषि कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में सातों विकासखंड के शासकीय योजनाओं के लाभार्थी और हितग्राही जुड़े थे। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। ज्ञात हो कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड राज्य के खूंटी से अभियान को शुभारंभ किया था। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना और प्रमुख सरकारी योजनाओं की 100% परिपूर्णता हासिल करना है। शनिवार को इस कार्यक्रम का तीसरा आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में विभागीय प्रदर्शनी का आतिथियों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर विधायक श्री देव ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना विकसित भारत संकल्प यात्रा से केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को शहरों गांवों के लाभार्थी व्यक्तियों तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में 14 दिसंबर से 25 जनवरी 2024 तक कार्यक्रम किया जाएगा। प्रदेश के महानगरों से प्रारंभ होकर नगर गांव तक जाएगी। योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है।
केंद्र सरकार की योजनाओं की सूचना और लोगों तक उसके लाभ को पहुंचाने के मकसद से देश के कोने कोने में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत स्थानीय जत्तू महारा हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला स्तरीय टीचिंग लर्निंग सामग्री और क्विज प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में बस्तर जिले के 7 ब्लॉक से 56 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कबाड़ से जुगाड़ से सामग्री बनाई गई थी, जिसमें प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला के बच्चों ने मुख्य रूप से पर्यावरण पर आधारित जलचक्र सौर मंडल गोबर संयंत्र पोषण चक्र जल संवर्धन चंद्रयान 3 और गणित की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाले रोचक TLM प्रस्तुति की गई। प्राथमिक वर्ग और माध्यमिक वर्ग के बच्चों का क्विज प्रतियोगिता सतीश शर्मा और विश्व मोहन मिश्रा के द्वारा संपादित की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि BS रामकुमार प्राचार्य जगदलपुर थे, जबकि अध्यक्षता मानसिंह भारद्वाज BEO जगदलपुर ने की। विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र कुमार गर्ग रिटायर्ड DIG ने बच्चों को विषय की तैयारी के बारे में लाभदायक जानकारी दी। इस कार्यक्रम में DMC अखिलेश मिश्रा, अशोक पांडे, BRC गरुड़ मिश्रा और निर्णायक वर्ग में शिव सिंह चंदेल, मनीष अहीर, विश्व मोहन मिश्रा और सतीश शर्मा सहित जिले भर से आए शिक्षक रहे। कार्यक्रम में विजयी रहे छात्र छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। मिडिल स्तर पर विकासखंड जगदलपुर की कक्षा 8वीं की छात्रा निहारिका यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि माध्यमिक शाला शिक्षक वर्ग में मुकेश कुमार अहीर, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बरे गड़ावार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शहर की साहित्यिक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था कादंबरी द्वारा शनिवार को बस्तर हाई स्कूल परिसर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के अनेक स्कूलों के बच्चों ने शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गीतों की मनभावन प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिता के तौर पर आयोजित इस कार्यक्रम में निर्मल विद्यालय, आत्मनंद स्कूल तितरगांव, भगत सिंह स्कूल बस्तर हाई स्कूल और कन्या क्रमांक 2 के छात्र छात्राओं ने शास्त्रीय गीत और उपशास्त्रीय गीत की रंग बिरंगी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर निर्णायक के तौर पर आभा सामदेकर, मोहिनी ठाकुर और अरुणा आचार्य उपस्थित थीं। विजयी प्रतिभागियों को कादंबरी की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कादंबरी की सदस्याएं उपस्थित थीं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। BJP नेता कोमल मांझी की नक्सलियों ने कर दी हत्या। नारायणपुर क्षेत्र में फैला भय का वातावरण। आयकर विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, कांग्रेस की नीति ही है भ्रष्टाचार। कादंबरी संस्था द्वारा शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने लिया भाग। और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 7 ब्लॉक के 56 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही।
फिर मुलाकात होगी आप सभी से कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय VD फार्मास्यूटिकल्स जर्नी टूवर्ड्स हेल्थ।